प्रश्न है, ये से ज्ञान होता नहीं और ये क्या ज्ञान ज्ञान होता नहीं, ये संबंध का निषेध है, तो ज्ञान शक्ति से कैसा है, ज्ञान शक्ति से कैसा है? फिर से, ये से ज्ञान होता नहीं और ये का ज्ञान होता नहीं, ये संबंध का निषेध है, तो ज्ञान शक्ति से कैसा है, मैंने ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्वरूप जानने का ही है। हाँ जी, सच्चाई तो यह है कि उसमें स्वयं ही जानने में आता है, ये स्वरूप है ज्ञान। सदा ही हमेशा ही अज्ञानी को भी और ज्ञानी को भी सबको ही स्वयं ही जानने में आता है, लेकिन अज्ञानी जानता नहीं कि स्वयं कौन है। हाँ जी, तो वो इनकार करता है, और ज्ञानी जानता है कि एक बार जो उसको अनुभव हुआ, रसास्वादन हुआ, तो वो जानता है कि ये मेरा स्वाद है। तो उसको ज्ञानी को जो होता है वो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ज्ञानी जानने में आता है, लेकिन अज्ञानी ये मानता है कि मैं किसी अन्य को जान रहा हूँ, पर को जानता हूँ, क्योंकि ये नहीं आते ज्ञान में, लिखा है ना प्रश्न, ये ज्ञान में नहीं आते, और जानने का काम तो हो रहा है और वो कार्य कहाँ हो रहा है, ज्ञान में ही हो रहा है, तो ज्ञान में हो रहा है और जानने का कार्य हो रहा है, तो कर्म कौन है, जानने में कौन आ रहा है? बराबर, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा तो आने वाला नहीं है, इसलिए स्वयं ही जानने वाला और स्वयं ही ये। इस तरह ये है ज्ञान की शक्ति का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप ये है। फिर इसके बाद पर को जानना, ये बात आती है, अवश्य आती है, इसका नाम व्यवहार, क्योंकि जब इसका नाम वास्तविक है, निश्चय है, तो शेष जो दूसरी विधियां हैं वे सब व्यवहार में चली जाएंगी अपने आप ही। पर उसके बाद की बात है, उसके बाद की है, जब तक ये स्व को नहीं जानता है तब तक तो ज्ञेय और ज्ञान का भेद ही नहीं मालूम इसका, भेद विज्ञान ही नहीं हुआ। पर भेद विज्ञान जब स्वानुभूति रूप प्रणमन करता है तभी जानता है कि ये मेरे चैतन्य सत्ता है, ये सत्ता है, और इससे विलक्षण जितने हैं वो सब ये हैं। बराबर, लेकिन वे मेरे में आते नहीं, जानता जरूर हूँ लेकिन जानता अपनी विधि से हूँ, मैं ठीक वैसे के वैसे आकार यहाँ अपनी शक्ति से बनाता हूँ। बराबर, ये ज्ञान शक्ति का काम, शक्ति मैंने गुण नहीं है यहाँ, पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान की शक्ति है कि वो उन गेयों जैसी रचना अपने आप स्वरस से स्व सामर्थ्य से करती है, और वही ज्ञान के जानने में आता है। न ज्ञान कहीं जाता और न ज्ञान किसी को अपने अंदर बुलाता, स्थिति तो यह है, हर पदार्थ की स्थिति है, ये तो वस्तु व्यवस्था ही है ना, ये तो कि आत्मा और आत्मा जितना ज्ञान है, और ज्ञान ये उनकी ऐसी सीमा है कि जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं। एक बात तो ये, यहाँ से किसी को बाहर जाना नहीं, और जानना जरूर होता है, तो फिर वो कहाँ हुआ, यही हुआ, तो किसका हुआ, बस अब प्रश्न ये है, बस किसका हुआ, कि जो वहाँ है उसी का हुआ जानना। बराबर, और किसको जानेगा? तो वो जो ये के जैसे आकार होते हैं, आकार मैंने द्रव्य गुण और पर्याय ये लेना, आकार मैंने कह दिया, ऐसे आकार नहीं लेना, द्रव्य गुण पर्याय जैसा कुछ उस ज्ञान को जानना है, ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है, वैसा का वैसा, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ही ज्ञान में आ गया हो, ये तो अज्ञानी का काम है। ज्ञानी जानता है कि मेरी सीमा को तोड़कर कभी कोई आने वाला है नहीं, इसलिए तो मैं ही हूँ, ज्ञान ही हूँ, तो ऐसा करके और वो प्रसन्न होता है, मैं ही हूँ ऐसा करता हुआ वो वेदन में चला जाता है, और अज्ञानी जो है वो रिजेम्बलेंस होती है ना दो की, जिस शक्ल मिलती हो, तो इधर तो ज्ञान ने जो उसके स्वरूप का बनाया, स्वरूप को जाना, तो एक तो वो ज्ञान की वो पर्याय, और उधर वो ज्ञे, ये दोनों ऐसे मिलते हैं कि जैसे दोनों में अंतर कुछ नहीं हो। वाह वाह, इस तरह
मैंने ज्ञान के आकार बनाने की टेक्नोलॉजी ये है कि सामने जो ये है उसी प्रकार के आकार ज्ञान खुद ही अपने आप से बना। ठीक उस प्रकार का ठीक मैंने जरा भी एक सेंट मैंने कोई फर्क नहीं ज्यादा फर्क मैंने आगे पीछे कुछ नहीं बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे तो ज्ञान वैसा का वैसा ज्ञान जान रहा है उधर ये पड़ा है तो दोनों की शक्ल ऐसी मिलती जुलती है कि अज्ञानी भ्रम में पड़ जाता है और अज्ञानी जानता है कि ये मेरे भीतर ही आ गया है। बराबर जिस दर्पण में जैसे दर्पण में ठीक जैसा है वैसा का वैसा उतना का उतना वैसा का वैसा दिखाई देता है तो अपन ही भ्रम में पड़ जाते हैं कभी तो दर्पण के पास रखी हुई जो वस्तु है वो रखते ही दो हो गई। बराबर दो हो गई दो हो गई एक लाख के नोट रखे तो 2 लाख हो गए और हटाते 1 लाख रह गए तब समझ में आता है कि वो वास्तव में भीतर गए नहीं थे और वो दर्पण का स्वरूप ही था और वो दर्पण का ही आकार था दर्पण की ही पर्याय थी मेरा उसमें कुछ नहीं। ये क्या कहे कि दर्पण का ही आकार था और दर्पण की ही पर्याय थी जैसे रूपियों की घंटी माने अग्नि तो अग्नि का आकार जो है दर्पण में है तो दर्पण की ही पर्याय है ये कैसे मने ये समझ में थोड़ा। दर्पण की पर्याय इसलिए है कि उसे देखें हम तो उसमें गर्मी नहीं है तो उसमें जो है वो और जो अग्नि के धर्म होते हैं जलाने का और जो होते हैं वो उसमें नहीं है। दर्पण के हाथ लगाए तो गर्म नहीं लगता है स्पष्ट हो गया कि दर्पण ही है सारा ये बात। वरना उसको कितना मैंने जो स्वामी है दर्पण का उसको कितनी तकलीफ हो जाएगी कि अग्नि अगर दर्पण के भीतर चली जाए तो दर्पण टूट जाएगा। बराबर टूटे बिना तो होता ही नहीं है। ज्ञान में अगर कोई आना चाहे तो सबसे पहले तो ज्ञान की सीमा टूटे आत्मा की सीमा टूटे तो आत्मा का नाश हो तब हो वरना नहीं हो सकता है। सीमा बद्ध ऐसी है ना यहाँ तो कि हरेक का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन है अपना अपना बराबर एकदम सीमाबद्ध सील्ड सीमा है सील्ड जिसमें किसी का अतिक्रमण और पदार्पण नहीं हो सकता मैंने किसी भी ओर से गुंजाइश नहीं बस। तो जो जानने का जो वो जो आकार का जो सुमेल है ना तो आकार के सुमेल से अज्ञानी तो भ्रम में पड़ता है तो उसको उसी वो पदार्थ ही मान लेता ऐसा अपने को भ्रम हो जाता है नहीं जैसे एक बालक को भ्रम होता है ना कि जैसे वो चल रहा है आगे आगे उसकी परछाई चल रही है सूर्य की तो वो कहता है पापा देखो ये मेरे आगे आगे कौन भाग रहा है अब उसको ये नहीं मालूम कि परछाई मेरी है। इसी तरह वो स्वयं सारा का सारा ज्ञान ही है ज्ञान का ही चित्रण है ज्ञान की परछाई है ये समझ लें लेकिन वो उसको ये मानता है ज्ञान ज्ञानी को ये भेद विज्ञान प्रचंड हुआ है तो वो जानता है कि यहाँ आने वाला है कौन कोई आ भी तो नहीं सकता यहाँ इसलिए मैं ही हूँ तो एकदम हर्षित होता है और वो उसको विषाद होता है दुख होता है। मैंने भगवान के दर्शन का जो राग कर्म उदय में आया और उसी भांति ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान का कर्म बन गया। हाँ ज्ञान का कर्म हो गया वो ज्ञान का जो आकार है प्रतिभास उसको कहते हैं। बराबर उसको प्रतिभास कहते हैं जो गेय का जैसा आकार जो बनता है ज्ञान में उसको कहते हैं प्रतिभास विकल्प ज्ञान का विकल्प तो प्रतिभास ठीक वैसा ही होता है और हर समय होता है ज्ञान कभी खाली नहीं रहता या तो स्व उसमें स्वाकार अपना आकार गेय आकार जानने में आएगा ज्ञाय का आकार या फिर पर पदार्थ का आकार जानने में आएगा लेकिन पर पदार्थ का आकार उसी के पास रहेगा यहाँ तो वो सिर्फ जानन भाव रूप है सारा का सारा। वारे वारे। पदार्थ जो जड़ है वो तो अपने स्थान पर है अपने द्रव्य पर्याय को लेकर यहाँ जो जानना हो रहा है उसके द्रव्य पर्याय को ये सब ज्ञान रूप है ये सब ज्ञान का बना हुआ है मतलब ज्ञान की मटीरियल है। हाँ ये ज्ञान के पकवान है ये इसीलिए वो आनंदित होता है और अज्ञानी को जो भ्रम होता है तो उसमें तुरंत चिंतित होता है कि इस तरह से मेरे कोई भी आ सकता है तो कोई भी मुझे खा सकता है कोई भी परेशान कर सकता है तकलीफ दे सकता है। अज्ञानी को बस इसी भ्रम में निरंतर अज्ञानी तकलीफ में रहता है और बात इतनी सी है छोटी सी कोई कभी आने वाला है नहीं मेरा ज्ञान तो कभी गर्म नहीं होने वाला
कभी काला पीला नहीं होने वाला, कभी मीठा खट्टा नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इस तरह निश्चिंत होता है। ज्ञान ही जानने में आ रहा, यहां तक आया तो यहां तक विकल्प की है ज्ञान स्वयं के संबंध में होने वाला ये विकल्प। इस विकल्प से क्या साध्य है कि ज्ञान ही जानने में आ रहा है कि ये तो मैं ही हूं सचमुच। ये जो ज्ञान, ये जो अनेक आकार हैं, इन आकारों को गौण करके और अंत में एक करता है बराबर, बस एक अखंड प्रतिभास है ये ज्ञान। बहुत सुंदर। और ये मैं ही हूं, इस तरह मैं कहते ही वो ज्ञायक पर चला जाता है, क्योंकि प्रारंभ से लक्ष्य ये बनाया था कि मुझे ज्ञायक पर जाना है, वरना वो यहां अटक जाएगा तो फिर पर्याय दृष्टि में अटका।